हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग को काम अभी पता है क्या क्या करना है। हमें पहले एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स इस तरीके के बनाने हैं। दिस इज राइट हैंडेड थ्रेड्स और ये आपके लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स, ठीक है। ये आप देख चुके हो लास्ट लेक्चर्स में। ये आपके सिंगल स्टार, ट्रिपल स्टार और डबल स्टार थ्रेड्स, जिसके अलग अलग स्लोप्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड सिंपल वाला दिखाया है मैंने। और एक रिप्रेजेंटेशन का आपको आता है कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन और सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखो सामने आपको मैंने बना के दिखाया हुआ है। दिस इज सिंप्लीफाइड, दिस इज बस जस्ट स्टेजेस। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन में जस्ट लाइन शो कर देते हैं, कन्वेंशन में इस तरह से पिच के डायमेंशन पे ये हम लोग लाइन शो कर देते हैं। और जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम थ्रेड्स बनाते हैं, वो आपको आना चाहिए। साइड व्यू भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक्सटर्नल थ्रेड है तो बाहर वाला सर्कल कंप्लीट और जो अंदर वाला सर्कल है माइनर डायमीटर वाला वो इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देना है। और आपकी जो शीट नंबर 4 है उसमें आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, कैलकुलेशन लिखनी है। ऐसे BSW थ्रेड्स है, ठीक है, इसकी वीडियोज अलग से मिलेगी। लेकिन BSW थ्रेड है तो उसमें पिच कितनी ली है, हाइट ऑफ थ्रेड का फार्मूला 0.96P है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ये कैलकुलेट करनी, 38 mm, रूट क्रश डेप्थ कितनी है। तो सभी के लिए चार आपके वी थ्रेड्स है और चार आपके स्क्वेयर थ्रेड्स है। उन्हीं चार स्क्वेयर थ्रेड्स और वी थ्रेड्स को आपको बनाना है, इस तरीके से हैचिंग करनी है, ठीक है। और इस तरीके से देखो टोटल हाइट आपकी 38 आई, तो ये 38 mm इस तरह के वी थ्रेड्स बने हुए हैं, बट क्रस्ट और रूट से कटे हुए हैं, राउंड राउंडेड हुए हैं, तो वो 6 6 mm आया। देखो रूट एंड क्रस्ट डेप्थ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, 6 6 mm। तो 6 6 mm से एक लाइंस गई है देखो, और उसी हिसाब से आपने इस तरह से ये फिलेट कर दिए। यहाँ पर राउंडेड आपने कर्व लगा दिए हैं, क्योंकि BSW थ्रेड्स में राउंड्स बनते हैं, कईयों में फ्लैट्स भी होते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें, हाइट ऑफ थ्रेड भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए और रूट और क्रस्ट डेप्थ का भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फिर आप इस तरीके से बना पाओगे, ठीक है। वी थ्रेड्स इस तरह के हैं, अलग अलग सभी के लिए। बीए थ्रेड्स, मिट्टिक थ्रेड, सेलर थ्रेड, अमेरिकन थ्रेड्स, उनके लिए सबके लिए अलग अलग है ये जो फार्मूला है, हाइट ऑफ थ्रेड और रूट और क्रस्ट डेप्थ का। और जो आपके स्क्वेयर थ्रेड्स है वो आपके इस तरीके से पिच, हाइट ऑफ थ्रेड कितना है, वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। पिच आपका डिस्टेंस ये देखो यहाँ शो कर रखा है, 40 mm पिच हम लोग एज्यूम करके चले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये 40 mm पिच है, यानी कि मैंने पिच पहले जब मैं शीट नंबर 3 करता था तो पिच कितनी लेता था, 4 mm की, याद हो आपको। देखो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ 4 mm की पिच थी। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट क्या किया है, इतने से पोर्शन को जो देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैंने जूम किया है 10 गुना, मतलब पिच कितनी हो गई, 4 से 40 हो गई। और वो पिच 4 से 40 जो हुई, यानी कि जूम किया मैंने, वो ये दिख रहे हैं आपको, 3 टीथ दिख रहे हैं इसी के थ्रेड्स के। और वो कैसे बने हुए हैं, वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो चीज़ आप बना रहे हो शीट नंबर 4 में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ के बनानी है, ठीक है, रूट एंड क्रस्ट डेप्थ एंड हाइट ऑफ थ्रेड्स, ये सारी चीज़ें, तो ये आपका ये सारा काम अच्छे से हो पाएगा। वी थ्रेड्स, स्क्वेयर थ्रेड्स, शीट नंबर 4 में आपके टोटल 8 डायग्राम्स रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए।